Hey, what's up everybody, my name is Karan and welcome back to my channel again. My channel name is Example Free. Hopefully everyone's fit, fine and taking care of their family, which is pretty much needed in this COVID situation. Hope most of you have got vaccinated, because whenever you are going for the college, they will ask for the vaccination certificate. So guys, today we are going to discuss about the top colleges of the Common K. So watch the video till end, you will get some beneficial important details in. टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। साथ ही साथ बता दूं, अगर आप लोग कमेंट की डिटेल्स के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं मिल जाता हूं, वहां पे आइए, वहां पे जुड़िए, डिस्कशन हम लोग करेंगे बहुत डिटेल में, क्योंकि कमेंट के का डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पीछे रीज़न क्या है, अब ये फाइनल एग्जामिनेशन है, इसके बाद शायद कुछ बचा नहीं है कि जहां आप ने अप्लाई किया होगा और जहां एग्जाम जहां पे आपको अब बीटेक के लिए सीट्स अवेल की जाएंगी, तो ये लास्ट चांस है आपका। तो अगर आपको नॉलेज है, यू कैन डू बाय योरसेल्फ, अगर नहीं है तो जस्ट कम विद अस, वी आर हैविंग गुड एक्सपीरियंस पीपल विद अस, और हम लोग आपकी काउंसलिंग करेंगे और बहुत नॉमिनल चार्जेस वहाँ पे रखे हुए हैं। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर जुड़िए, वहाँ पे लाइव सेशंस हम लोग करते रहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, जो बैंगलोर के स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं और जो टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग वहाँ पे करते रहते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल आने वाले टाइम पे होगी। तो चलो जी, अगर मैं बात कर लेता हूँ कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में सबसे ऊपर थोड़ा पेन पेपर आप लोग ले लीजिएगा तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर कंप्यूटर साइंस की बात करूँ मैं, तो कंप्यूटर साइंस में आप RV, BMS, MS रमैया, BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, दयानंद सागर, BIT बैंगलोर, NIE मैसूर, SMVIT और सिद्धगंगा जैसे कॉलेज, और नेटी मीनाक्षी को भी ले लेते, तो टॉप 10 में लगभग ये कॉलेजेस मैं कंसिडर कर रहा हूँ, किसके बिहाफ पे, लास्ट ईयर की कट ऑफ के बिहाफ पे, है ना, वो भी एक्सक्लूसिव राउंड की कट ऑफ के बिहाफ पे। तो अगर RV की मैं बात करूँ, तो RV 493, BMS 494, MS रमैया 1106, BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट 2624, दयानंद सागर इंजीनियरिंग कॉलेज, दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 3889, और बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 3948, द NIE मैसूर 4823, और SMVIT जो बंद क्लोजिंग हो गई थी 5408, और सिद्धगंगा तुमकुर जो क्लोज हुआ था 7764, और नितिन नाक्षी जो क्लोज हुआ था 8674। तो ये जो कट ऑफ है, ये है एक्सक्लूसिव राउंड की। एक्सक्लूसिव राउंड वो राउंड था जो थर्ड राउंड के बाद एक राउंड और हुआ था, और इसे एक्सक्लूसिव राउंड यहाँ पे कहा गया था कॉमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसके भरोसे आपको नहीं रहना है, इससे पहले आपको थर्ड राउंड की कट ऑफ देखनी पड़ेगी। उस पर भी आने वाले टाइम पे मैं वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा अभी काफ़ी आगे आ चुके हैं हम लोग, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आप इंस्टेंटली मुझसे उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करना चाहते हैं कि भैया क्या था, कैसे था, क्या करना है, क्या भरना है, उसके लिए मैं आपको मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, आप मुझसे वहाँ पे जुड़ सकते हैं, टेलीफोनिकली हम लोग वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गई अब बात कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं आज कि सिविल में भी एक अच्छा करियर स्कोप देखते हैं। तो सिविल में लास्ट ईयर जो आरवी की आप कट ऑफ देखोगे, तो आरवी की 36705, BMS की है 17357, MS रमैया की है 3629, BIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 36792, ये थी बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मतलब सिविल में अगर आपका सिविल आप प्लान कर रहे हैं, तो सिविल की कट ऑफ काफी ऊपर तक जाती है, तो वहां पे एक अच्छी पॉसिबिलिटी आप लोगों के लिए बन सकती है। अब मैं बात कर लेता हूँ केमिकल इंजीनियरिंग की। तो आरवी और बीएमएस में, तो केमिकल इंजीनियरिंग की अगर आरवी की बात करो तो 21243, और बीएमएस की बात करो तो 22147, तो ये भी काफी ऊपर तक गई हुई है। तो ये हो गई अपनी बात केमिकल की, सिविल की, कंप्यूटर साइंस की। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा अब मैं बात कर लेता हूँ कि ISC की। ISC जो है यहाँ पे IT आप कह सकते हैं, यहाँ पे जो IT को ही ISC कहा हुआ है, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग को। तो RV जो क्लोज हुआ था 910 पे, BMS जो क्लोज हुआ था 970 पे, MS रमैया जो क्लोज हुआ था 1504 पे, JSS जो क्लोज हुआ था 4434 पे, दयानंद सागर जो क्लोज हुआ था 4971 पे, बैंगलोर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जो क्लोज हुआ था 5894 पे, SMVIT जो क्लोज हुआ था 7408 पे, NIE मैसूर जो क्लोज हुआ था 7780 पे, BMS इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट 8731, और सिद्धगंगा टुमकुर जो क्लोज हुआ था 8932, और नितिन मीनाक्षी जो क्लोज हुआ था 11680। तो यहाँ तक आप मान सकते हैं टॉप 10 कॉलेजेस थे जहाँ पे ISC की जो कट ऑफ थी फाइनल राउंड में, वो यहाँ तक गई थी। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा बात करता हूँ मैकेनिकल की।
मैकेनिकल में आरवी की 12,871 पे, बीएमएस की 38894 पे, एमएस रमैया की 41,644 तक चली गई थी एंड बीएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बैंगलोर 25050। अब इसमें थोड़ा सा ये देखो कि एक की कट ऑफ तो बहुत कम गई है और एमएस रमैया की इतनी ज्यादा चली गई है, इवन बीएमएस की इतनी ज्यादा चली गई। तो देखो हो सकता है उस कॉलेज में सीट कम हो, लेकिन ये जो टॉप के जो कॉलेजेस हैं आरवी, बीएमएस, रमैया, दयान सागर, बीएटी बैंगलोर, एसएनबीएटी, एनआई मैसूर और ये जो सिद्धगंगा भी अच्छा कॉलेज है, नितिन राजी को अच्छे कॉलेज में कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो टॉप 10 के कॉलेजेस हैं ये सारे हैं, ठीक है। तो कट ऑफ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे आपको पता सुनने में आ रहा होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ, अगर मैं बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी एक ठीक ठीक ब्रांच है, बहुत अच्छी ब्रांच। आज के टाइम पे मैं इसे नहीं इतना कंसिडर करूंगा, लेकिन हाँ एक अच्छी ब्रांच है। और अगर आपकी फैमिली में कोई ऑलरेडी इस ब्रांच में अच्छा एक्सप्लोर कर रहा है तो आप भी जरूर इसमें जा सकते हैं। एमएस रमैया 16,494 पे बंद हो गया था, बीएमएस 23,498 पे और बीआईटी बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 32346 पे क्लोज हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात कर लेता हूँ तो 11678 पे रमैया, बीएमएस की बात करता हूँ 14,511 और बीआईटी की बात करता हूँ 36299 पे क्लोज हुआ था। मैं फिर कह रहा हूँ ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ एक्सक्लूसिव राउंड की कट ऑफ है, आपको एक्सक्लूसिव राउंड से पहले जो राउंड हुआ था उसको एक बार जरूर एनालिसिस कीजिएगा। अगर आप लोगों को डेटा अवेल नहीं हो पा रहा है तो यू कैन पिंग मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज, वहां पे मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा, बहुत मामले चार्ज मैंने वहां पे रखे हुए हैं। अब थोड़ा सा और आ जाता हूं तो अब एरोनॉटिकल में भी कुछ बच्चों का इंटरेस्ट है तो दयान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 29,172 तक एरोनॉटिकल क्लोज हुई थी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में किसी का इंटरेस्ट है तो बीएमएस में है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, 42,000 तक से कट ऑफ गई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग जो है लगभग टॉप के सारे ही कॉलेज में है, जिसमें आरवी नहीं है, बस बीएमएस है, दयानंद सागर है, एसआईटी भी नहीं है। तो काफी सारे कॉलेजेस में हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी बने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जो ब्रांच है वो आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप आचार्य तक देख लो, 24505 यहाँ तक ये क्लोज हुआ है। आने वाले वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि और भी जो लोअर रैंक पे जो कॉलेजेस हैं उनको भी मैं यहाँ पे आने वाले टाइम पे और इंक्लूड कर पाऊँ। साथ ही साथ मेरा आप लोगों से यही है, क्योंकि देखो अब क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आने वाला है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, वहां से आपको और ज्यादा अच्छा आइडिया लग जाएगा। एट द मीन टाइम इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन पिंग मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज, यू कैन फॉलो मी ओवर देयर एंड वी विल मेक फर्दर डिस्कशन बाय कॉल। सो फ्रॉम माय साइड गाइस, माय नेम इज करण, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड, अपना अपनों का ध्यान रखिए, फैमिली के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।